तो मित्रों माता अगर सीता की रसोई देखकर हम निकल पड़े आगे एग्रीकल्चरल जोन देखने के लिए। और जैसे ही हम आगे जा रहे थे तो हमको ये लंबे पैरों वाला इंसान हमको फिर से दिखा, और उसके पीछे दिखा जोकर, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसको देखकर कोको डर गई थी। और अब हम इंटर कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल जोन में। यहाँ एंट्री करते ही हमको दिखे ताऊ जी, जो हमको राम राम करे, तो हमने भी इनको राम राम किया और हम आगे निकल गए। और यहाँ के रख रखाव को देख कर हम बहुत खुश हुए, और हम यही बात करते हुए जा रहे थे कि कितने सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने फूलों को, गमलों को रखा हुआ है। और वही चीज़ हम आपको दिखाएंगे अभी। देखिए कितने अच्छे से ये गमले और फूल एक साथ में कॉम्बिनेशन, मतलब कह सकते हो आप। और ये सब्जियाँ वगैरह बो रखी इन्होंने यहाँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बहुत सारी चीज़ें आपको, गाजर वाजर भी मिल जाएंगे देखने को। मतलब अच्छा लग रहा था। ये देखो फूल गोभी बड़ी मस्त लग रही है ना। और ये सब्जी क्यारी देखने के बाद हमने देखी एक बहुत बड़ी खाट, जिसको आप लोग वैसे चारपाई बोलते हैं, हम तो लोकल में खाट ही बोलते हैं। ये हट के नीचे, झोपड़ी के नीचे थी, और हमने इस पर कोको को बैठाया, और कोको बड़ा खुश हो गई इस पर दे बैठ के। और देखो कैसे पोज दे रही है, मुस्करा गई हमारी बेटी। और इसके बाद रेनू पोज ले रही थी, अपनी खुद की सेल्फी ले रही थी, फ़ोटो वगैरह उतार रही थी। उसको फ़ोटो उतारने के बाद हमको दिखा ये एक सेल्फी पॉइंट, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक सेल्फी ली जाए। और मैंने रेनू को बोला कि हमारी सेल्फी लीजिए, और उन्होंने हमारी पूरी वीडियो ही बना दी। अब देखियो कैमरा हमारा कैसे कैसे घूम रहा। मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि हमारा जो माइक था वो बिल्कुल ख़राब ही हो गया, तो उससे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो बड़े दुख की बात थी, लेकिन फिर भी हमने सेल्फी ली। और सेल्फी लेने के बाद हम आगे बढ़ गए। जब हम आगे जा रहे थे हमको फूलों पर तितली देखी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो भी रेनू ने इसको शूट किया, और जो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। इसको देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सरसों की क्यारी और उसके डोलों पर लगे फूलों को निहारते हुए हम आगे बढ़े रहे, क्योंकि सब कुछ इतना हरा भरा और अच्छा लग रहा था ना, कि हम उसको मिस करना ही नहीं चाह रहे थे। एक एक चीज़ को हम देखना चाह रहे थे। ये देखो बथुआ था अभी जो आपने पीछे देखा, तो इस तरह से बथुआ है, गाजर है, चने के साग है, मतलब जो चने की खेती होती वो भी है, कस्तूरी मेथी वगैरह। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखी, लेकिन आप यहीं पर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हमने देखा ये बायोगैस प्लांट ट्रीटमेंट, आप जो भी कह सकते हो। इसमें जो अपने बुफेलो वगैरह होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है उसको रखते हैं, उसको सड़ाते हैं, और उससे गैस, बायोगैस बनती है, जिससे हम खाना वगैरह पका सकते हैं। ऐसा ये ट्रीटमेंट का उन्होंने सारा सिस्टम बड़े अच्छे से बना भी रखा और समझा भी रखा है ना, पोस्टर के माध्यम से। इसको देखते हुए स्मेल तो आ रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था देखने में। और ये अलग अलग तरह की, फिर उसके बाद उसकी खाद बनती है जो हम खेतों में डालते हैं, जिससे हमारी उपज अच्छी होती है। वो सारा सब कुछ इसमें अलग अलग तरह की खाद बनती है, वो दिखा रखी थी। इसको देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ है तो यहाँ धूप सेकने के लिए इन्होंने एक बिछौना बिछा रखा है। तो मैं थक गया था, कोको को गोदी में उठा उठाए, तो मैंने बहाना बनाया कि हम यहाँ पर थोड़ा धूप सेकते हैं। तो कोको यहाँ खेल रही थी, मैंने भी थोड़ा सा आराम किया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये महिलाएं धान जो झाड़ रही थी, उसकी जो डेमो ये कर रहे थे, तो वो हमने देखा। और ये नाच रहे थे तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो थ्रेसर बोलते हैं, एक तरह से धान झाड़ने वाला, तो इसको भी हमने देखा। उसके बाद ये कुछ मुखौटों के पीछे, जैसे हम फोटो उतरवा सकते हैं मुँह के लिए, उन्होंने जगह छोड़ रखी। बाकी ये पुराना परिधान, अगर किसी को एक्चुअल में नहीं पहनना और ऐसे फ़ोटो खिंचवाना तो वो खिंचवा सकते थे, लेकिन इसका रंग काफ़ी फेड था, तो हमने इसका फ़ोटो खिंचवाया नहीं। इसमें जिन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं खिंचवाऊंगी, तो हम आगे की तरफ बढ़ गए। और जब हम ये पुराने मॉडल के ट्रैक्टर को देख रहे थे, तो कोको को बहुत धूप लग रही थी, तो ये रो रही थी, तो हमसे रहा नहीं गए और हम थोड़ा आगे बढ़ गए। देखो नीचे पकड़ो पकड़ो, अपनी तरफ उठा लेना। ना ना कुछ ना, ये देखो मित्र, ये तुरमुर्ग है, और ये एक्चुअल में इनके अंडे हैं। अगर इनके पास आएंगे तो ये लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ है। कई सारे हैं, ये नहीं कि एक ही तो है, कई सारे अलग अलग पार्टीशन में के, जितना भी जो भी दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। छोटे छोटे है, ज़्यादा है वजह नहीं है, लेकिन अच्छा दिख रहा है।
आ जा तो इधर आ जा। इस वाले एरिया को आप कह सकते हैं कि मिनी जू है, टर्की है ना, इसको बोलते हैं टर्की। और ये ऐसा कुछ दिखता है टर्की, ये मुर्गे जैसा ही है। ये देखो ये सारे टर्की ही हैं। यहाँ पर आ गए मित्रों झूले, जो हम झूल झूलते हैं तीज पर, ये झूल हैं। ठीक है, ये तो कौन, ये तो कौन ही खेलेगा रस्सा कसी, मटकी वाला भी है। हाँ, मटकी वाला भी है। हमने मटकी, मतलब इसने मटकी खेली थी फोड़ने के लिए, वो जो खिला रहा था ना उसी के सर में मार दी होती थोड़ी नहीं थी, मार भी दी थी उसके सर में, मार दी थी। मैंने तो खेला ही नहीं। हाँ क्या, मैंने कहाँ खेला, मैंने नहीं खेला। और क्या, तो अभी भोजन कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करें क्योंकि टाइम हो गया अभी भोजन में। तो मन गया कुछ खाने का, तो क्यों ना मैं थोड़ा मुँह खाया था, इसे इसी से स्टार्ट कर लें। ये ले, मुझे हम बोलते हैं गन्ना भी है, थोड़ा जो यहाँ चूल्हे वगैरह हैं और यहाँ बैठ कर आप खा सकते हैं। मुझे क्या सोच रही है अगर आप देखो रसोई चली हुई है, हम जो चाहे वो खा सकते हैं। चाय जलेबी आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे आप कोर्ट में इंटर करते हैं ना, तो लेफ्ट में आपको फूड कोर्ट है, राइट में आपको घूमने का है, जितना ही घुमाए तो इतना ही बुला रहे, जगह जगह रोटियाँ हैं। यहाँ पर खाना चला हुआ, यहाँ जितना भी मेरे पीछे आपने देखा वो सारे का सारा जो अपना पुराना कल्चर उसका खाना है। तो ये जो कोर्ट देख रहे हो आप, फूड कोर्ट, तो आपको इधर फास्ट फूड मिलेगा है ना, वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आपको फ्राई पकौड़ा वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ये मेरे पीछे देखो फ्राई पकौड़ा को लगे बढ़ गई थी।